जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां, बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं शिरडी में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हाथों में तख्ती लेके लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या फिर सामूहिक रूप से बागेश्वर धाम सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अब भाई क्या सच्चाई है वीडियो की, ये तो हम नहीं बता सकते। मतलब जानकारी तो सही है, लेकिन आपको बता दें हमारा कहने का मतलब है, लेकिन कई लोग ऐसे गलत समझ बैठते हैं कि हम बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ हैं या साईं बाबा के खिलाफ है। तो भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके साथ हैं, हम अपने सनातन धर्म के साथ हैं, अपनी बहन की। हम ऐसा है कि हम जाहिर नहीं कर पाते कि हमारे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम मतलब बहुत हड़बड़ी में वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आना जाए इसी की वजह से हम जो बोलना होता है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन वीडियो की सच्चाई तो मतलब वीडियो आप सबने न्यूज़ पे भी देखे होंगे और मतलब बहुत सारे चैनलों पे भी मतलब बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन, उनके साथ में समर्थन में जो भी लोग, हम सभी वीडियो बनाते रहते हैं, आप सब वीडियो को देख लिया करो हमारे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दीदी भैया लोग जो नए हैं, तो प्लीज अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सबकी वजह से हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 2000 सब्सक्राइबर, आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ, आप सबका प्यार और आप सबकी मेहरबानी से, बालाजी सरकार की आशीर्वाद से हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं शिरडी में, मतलब पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने मतलब कहा था कि मतलब उनसे किसी ने पूछा था, जो कि पूछा गया था कि बागेश्वर धाम सरकार से सवाल किए थे लोग, शैलेंद्र तिवारी, डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने ये प्रश्न किया था। भैया जो जानकारी है उसके आधार पर बता रहे हैं, अपनी बहन पे दोष मत देना, क्योंकि हमें बहुत मुसीबत में से वीडियो बना पाते हैं, आप सबको पता ही है। तो भाई उन्होंने कहा था कि साई बाबा की पूजा करनी चाहिए सनातन धर्म में निषेध माना जाता है, लेकिन साईं बाबा की पूजा सनातन धर्म के से पद्धति मतलब सनातन पद्धति से की जाती है, तो क्या ये उनको भगवान मानना चाहिए। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही थी कि नहीं, मतलब उनको भगवान नहीं, संत या उनको फकीर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इंसान थे, तो इंसानों को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। भैया बहुत से लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, ये उनका आरोप है शिरडी वाले लोगों का, मतलब जो कि उनके भक्त हैं, उन लोगों ने आरोप लगाए हैं बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ। कहा है कि जब तक बागेश्वर धाम सरकार माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, ऐसे ही धरना प्रदर्शन होता रहेगा। और उनके लिए ऐसे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, बहुत पहले से भी किए गए, लेकिन ये बात भी है जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। जब तक बागेश्वर धाम सरकार को कोई नहीं जानता था और कोई उनके नाम को भी नहीं जानता, तो कोई मतलब जानते तो अभी से उनके नाम ज़्यादा आने लगा है हम सबके बीच में। लेकिन दरबार तो उनका कई पीढ़ियों से लगता आ रहा है, वही सुनने में आए उनके दादा परदादा, उनके मतलब अब ये बागेश्वर धाम सरकार मतलब लगाने लगे हैं दरबार, लेकिन चर्चाओं में तो अभी से कुछ महीनों पहले से ही आए हैं। और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, तो उनका उनके ऊपर विवादित बयान पे केस दर्ज हो गया, और हिंदू राष्ट्र पे कुछ भी ऐसे बोला तो उन पे केस दर्ज हो गया। अब भाई इस पे जो लोगों की प्रतिक्रिया रही है वो तो वही जानते हैं, भाई हम क्यों बोले, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया गरीब आदमी भाई सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, वही कोई ऐसे ही बोल दे कि तुम्हारी बहू ने ऐसे कोई वीडियो बनाया था तो हमारे घर में तो जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा कर देंगे। तो भाई हमारा कहना ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं या किसी भी, भैया सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सबकी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास होता है अपने अपने भगवान पे। तो भैया हमारा सनातन धर्म पे भरोसा है, हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक साथ आप सबके साथ चाहते हैं। जो दीदी ने बेर दे दिए भैया, जैसे वीडियो बना उनके साथ में, तो भैया कितनी वो होते कछू ठीक है। आप सब खिलाने भैया हमारे दीदी भैया, और अगर आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची हुई हमारी बातों से, तो भैया हमारी जो इरादा बिल्कुल भी नहीं है, तो कि हम आपकी सबकी भावना भैया
सब अपने अपने भगवान को पूजा थे। सो सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबको अपना अपना विश्वास है। कोई साईं बाबा को पूजा थे, कोई सीताराम भगवान को पूजा थे, भैया अपनी अपनी आस्था है। जो पूजने हैं पूजे भाई, लेकिन हमारा तो ये उद्देश्य तो कि हम आप सबके लाने वीडियो बना के बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ शिरडी में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतनी जानकारी। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। कैसे आप सबकी मतलब भरोसे ही हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारे दीदी भैया ने हमें सपोर्ट करा थे और वैसे ही करते रहे हैं। तो वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो ठीक है, और नहीं भी लगी तो हमें कमेंट करके बता दियो कि कहाँ मिस्टेक लगी, कहाँ गलत लगा आपके लाने, तो भैया हम गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जय श्री राम।